हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार सोनू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक स्पार्क इंडिया में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोटो का यानी कि अपने इमेज का बैकग्राउंड ब्लर कैसे कर सकते हैं। आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी यहाँ पर यूट्यूब पर, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको बताते हैं कि फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लर कैसे करना है, और उसके लिए काफ़ी लंबी प्रोसेस बताते हैं, बट आप वो नहीं कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप आसानी से बस एक क्लिक में ही फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लर कैसे कर सकते हैं, वो भी अच्छी तरीके से। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और फ़ोटो अपलोड करना है यानी कि इंपोर्ट करना है, और बैकग्राउंड अपने आप ब्लर हो जाएगा। जिस क्वालिटी में आपको चाहिए उस क्वालिटी में बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जा करके वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस एप्लीकेशन को खोलते ही आपको जो इसका इंटरफेस है वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये कुछ 10-12 सेकंड का टाइम लेगा ऑप्टिमाइज होने में, तो यहाँ पर हम लोग वेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस यहाँ पे खुल के आ गया है एप्लीकेशन का। इसको नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे आप मैजिक करेक्शन भी कर सकते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लिक करना है। आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं कि क्या फ़र्क आता है, पहले फ़ोटो कैसी थी, मैजिक करेक्शन पर यह कैसी फ़ोटो बन गई है। और नेक्स्ट में आप इसका बैकग्राउंड भी रिप्लेस कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड अगर चेंज करना है अपने पीछे का, तो उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैकग्राउंड रिप्लेस होगा और बैकग्राउंड ब्लर कैसे होगा, ये भी देख सकते हैं। इस फोटो में मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, मैं अपनी फ़ोटो का भी बैकग्राउंड ब्लर करके दिखाऊंगा, उसके लिए आप चिंता ना करिए। तो ये तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया था आपको। यहाँ पे नेक्स्ट करना है, और इस पे नेक्स्ट लेवल की आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसका अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, इसके प्रो वर्जन आपको मिल जाएगा, आप बढ़िया से कर सकते हैं एडिटिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे फ़ोटो ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखा रहा है, यानी कि आप 5 फ़ोटो एक वीक में ही कर सकते हैं, 5 फ़ोटो ही एडिट कर सकते हैं। तो इसको मैं, कोई भी प्लान मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं लेटर कर देता हूँ, और एड फोटो पर जाकर जिस भी फ़ोटो का मुझे बैकग्राउंड ब्लर करना है उस फोटो को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं, तो दोस्तों यहाँ से मैंने एक फ़ोटो को चूज़ कर लिया है, और इसको इंपोर्ट पर क्लिक करके इंपोर्ट कर लेंगे। फोटो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी एडिटिंग की। आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड यहाँ पे अभी ब्लर नहीं है। तो यहाँ पे मैजिक करेक्शन करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही इसका करेक्शन हो जाएगा। करेक्शन होने के बाद में आप यहाँ पे सेकंड, पहले ऑप्शन दिख रहा है फेस का, और सेकंड ऑप्शन दिख रहा है बैकग्राउंड का। यहाँ पे बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, और यहाँ पे बैकग्राउंड ऑटोमेटिक ब्लर हो जाएगा। इसको आप जैसी भी क्वांटिटी रखना चाहते हैं, आप उस हिसाब से क्वांटिटी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 6-5 पर रख लेता हूँ, यहाँ पे इतनी अच्छी खासी है। और इसकी जो बैकग्राउंड ब्लर की जो मोड है, उसको आप मोशन में भी रख सकते हैं और वर्चुअल में भी रख सकते हैं, बट मैं डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ, ये ज़्यादा मुझे बेहतर लग रहा है। आप यहाँ पे बॉकी इफेक्ट भी डाल सकते हैं, जो कि आपको बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड ब्लर में आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं, बट मुझे नहीं डालना है, मैं सिर्फ डिफ़ॉल्ट पर ही इसको बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा हूँ। तो ये बात हो गई बैकग्राउंड कैसे ब्लर करना है। इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। आप ऑटो एडजस्ट पर क्लिक करके यहाँ पे फ़ोटो अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा कि किस तरीके की एडिटिंग करना चाहिए, और आपको बेहतर एडिटिंग करके दिखा देगा। यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया फ़िल्टर भी मिल जाएंगे, जिसे आप यूज़ करके फ़ोटो को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसको कम से कम एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, और अगर ये अच्छे से वर्क करता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सर्च करके और कमेंट बॉक्स में जा करके थैंक यू जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आप ये एडिटिंग करने के बाद में यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हैं। आप ऊपर सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो डायरेक्ट गैलरी में सेव हो जाएगा। इसको मैं आपको गैलरी में ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि ये फ़ोटो सेव होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से ये सेव हो चुका है, इसको कट कर देंगे और गैलरी वाले ऑप्शन को खोलेंगे, और यहाँ पे आपको फ़ोटो मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी बैकग्राउंड ब्लर किया था, कितने अच्छे से इसकी एजेस आई हैं, बैकग्राउंड कितने अच्छे से ब्लर हुआ है।
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।